R15 जो है ना वर्जन 3 है, बट ये BS4 है। और ये जो बाइक है ना, झूठ क्या कहना है, बट ये जो बाइक है ना, ये पल्सर 220 BS6 इंजन के साथ है। ये देखो, ये है 220 भाई। अब वो मुझे क्रॉस कर लेगा, तो पीछे देखने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम गवाया ना, जिसकी वजह से 220 आगे नहीं, 37, 38, 140 नहीं जा पा रही है बाइक, क्योंकि वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब, होप कि अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। एंड दिस इज संडे टुडे, और संडे का दिन था तो हमने निकल गए हम लोग ड्रैग करने। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना ड्रैग करें इसके कंपैरिजन वाली बाइक के साथ। तो आज हमारे साथ है अपनी R15 वर्जन 3 BS6, एंड उसके साथ ये अपनी नहीं भाई, अपनी R15 जो है ना वर्जन 3 है, बट ये BS4 है। और ये जो बाइक है ना, झूठ क्या कहना है, बट ये जो बाइक है ना, ये पल्सर 220 BS6 इंजन के साथ है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कंपैरिजन करने इन दोनों बाइक में, जो ड्रैग होने वाला है ना SM से एलिवेटेड ब्रिज पे होने वाला है सेफ्टी के साथ। तो अभी चलते हैं, और अभी मैं अपने बाइक को मैं राइड करने वाला हूँ, 220 को रॉकी राइड करने वाला है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट रहने वाला, आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। ये भाई दूसरी, ये तीसरी, इनिशियल में तो 220 आगे है, ये चौथी, और अब देखो R15 का कमाल अब यहाँ से शुरू हो गया। बस एक हाथ लगाना है, दूसरे का जरूरत भी नहीं है। ये पांचवा गियर देते हुए मैं, और ये थोड़ा सा अपने विंडशील का फायदा उठाते हुए मैं आगे जाते हुए मैं, और ये 220 अभी पीछे अपने। तो ये देखो, ये है 220 भाई। अब वो मुझे क्रॉस कर लेगा, ये मैंने जो पीछे देखने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम गवाया ना, जिसकी वजह से 220 आगे निकल गई, अदरवाइज आगे जाने वाली नहीं थी। बट ये फिर से मैं उसको ओवरटेक भी कर सकता हूँ ये, और ये मैंने कर भी लिया भाई, 138 है, 220 को ओवरटेक करके आगे आ चुके हैं। और देखते हैं, तो ये हमने अभी राइडर चेंज कर लिया। अभी आपने देखा उस साइड जब हम लोग आ रहे थे, तो दोनों बाइक में कैसे कंपैरिजन चल रहा था, कभी रॉकी बाइक को आगे लेके जा रहा था तो कभी हम आगे जा रहे थे। बट ओवरऑल उस साइड में रिजल्ट ये निकल के आया ना कि R15 जो अपनी है ना, वो आगे थी 220 से। अब हमने राइडर चेंज किया है, राइडर चेंज करने के बाद अब देखने वाले हैं क्या होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं राइडर से भी डिपेंड होता है कि ड्रैग में कौन जीतने वाला है। तो अभी चेंज करके और उसके बाद फिर अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं आ चुका हूँ द लेजेंडरी बाइक ऑफ बजाज पल्सर 220F। तो ये लेजेंडरी बाइक है, तो अब मैं इसको राइड करने वाला हूँ, और अपना भाई राइड करने वाला है अपने बाइक को, R15 वर्जन 3 को। ये भाई लॉन्च में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ, और रॉकी उस चीज़ का फ़ायदा उठा के आगे निकल गया है, काफ़ी आगे निकल चुका है भाई। और बजाज का ना थोड़ा ये पहले से ही ऐसा इशू रहता है कि गियर चेंजिंग में थोड़ा सा लैग होता है, पता नहीं चलता है कब चेंज करना है कब नहीं। भाई साहब गियर डाउन करते तो बाइक पूरी स्टक हो गई। मैंने सोचा कि गियर डाउन करूँगा तो फिर बाइक जो है ना वो भागेगी, बट ऐसा नहीं है।
अभी स्पीड अच्छा खासा पकड़ लिया है बाइक ने, 140 मैंने इसको अचीव करवा लिया है। बट ऑल द अभी रॉकी काफी आगे चला गया है आगे तक में, और ये देखो भाई डॉग था। अभी मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया इसको ओवरटेक करते हुए, और अभी चौथे गियर में भाई पांच गियर होने की वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ड्राइव करने में। और एक चीज़ है ना, R15 की जो इंजन है ना, यमहा की जो इंजन है, वो किसी भी गियर में खुद को मतलब अलावेंस देती है खींचने का। बट अगर हम लोग 220 की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है, मतलब इसके गियर ना लिमिटेड है, किसी भी गियर में एक लिमिट तक ही बाइक खींचती है, उसके बाद बाइक ना खुद जवाब देती है कि भाई अब इससे ज़्यादा हम कैपेबल नहीं है खींचने को। अभी 143 और ये मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, लेजेंड इज लेजेंड। बट इस लेजेंड का भी लेजेंड R15 वर्जन 3 निकली भाई, सो द विनर इज दिस मशीन R15 वर्जन 3, क्योंकि आपने भी देख लिया भाई रिजल्ट। सो गाइज वी आर हियर नाउ, और अभी अपना ट्रैक खत्म हो चुका है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा होगा कि जाते समय कहीं ना कहीं जब रॉकी इस बाइक को राइड कर रहा था और मैं अपने R15 पे था, तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन अच्छा चल रहा था। एक ऐसा मोमेंट आ रहा था जब 220 R15 को बीट कर रही थी, और या ये कह सकते हैं कि 220 जो है R15 के साथ कंपीट कर पा रही थी, और कहीं ना कहीं ओवरटेक का गेम चल रहा था हम दोनों में। कभी मैं R15 लेके आगे जाता था, तो कभी 220 ओवरटेक करके रॉकी आगे लेके जा रहा था ऐसे। और आगे ये जो वाइज़र वगैरह है ना, इसका फ़ायदा मिलता है R15 का, और एरोडायनेमिक्स होने की वजह से, और कहीं ना कहीं R15 में स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 220। ये तो हमने दोनों साइड रेस करके पता कर ही लिया। बट एक और रीज़न है कि अपनी जो बाइक है ना, वो BS4 इंजन के साथ है और ये BS6 इंजन के साथ है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है रॉ पावर होने का। तो कभी अगर ऐसा चांसेस मिलता है तो मैं फिर से करूँगा, हम इस बार BS7 वर्सेस BS7 कर देंगे, क्योंकि लेटेस्ट अभी शोरूम से जो है ना E20 के साथ R15 BS7 आ रही है, और उसी के साथ बजाज की भी पल्सर 220F जो है वो BS7 इंजन के साथ आ रही है। तो हम कभी कोशिश करेंगे और दोनों ही नई बाइक के साथ BS7 इंजन वाले बाइक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। आज का रिज़ल्ट इस तरह का रहा, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज अपने चैनल पर आती रहती है। तो किसी भी बाइक के ऊपर अगर आपको ड्रैग देखना हो, रिव्यू देखना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। करते फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर, मिलते किसी एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।